अस्सलाम वालेकुम, आफाक फारूक के नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। पहले तो वही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से भी कहिए पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। मौजू मेरा पाकिस्तान है मगर अमेरिका रिलेटेड है और खुशखबरियों के साथ है। बकौल मेरे कुछ दोस्तों के कि मैं नेगेटिविटी ज़्यादा फैलाता हूँ, तारीख पहलू ज़्यादा दिखाता हूँ, बल्कि जिन दोस्त ने मुझे ये इन्फॉर्मेशन रात कल प्रोवाइड की तो एक बड़ा एलिगेंट, बड़ा सोफिस्टिकेटेड मैसेज छोड़ा। बहुत पढ़े लिखे हैं, अमेरिकन पाकिस्तानी हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं, तो एक बैकग्राउंड भी है, तो यकीनन अपने तहजीब, अपने तमद्दुन के बैकग्राउंड में ही मैसेज कर सकते हैं या गुफ्तगू कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि देखें भाई, कल संडे है, अपने बच्चों को, अमेरिकन पाकिस्तानी दूसरे ख़ानदान बच्चों को अच्छी खुशखबरी सुनाएं। हम आपके जो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, उसका भी एहतराम करते हैं, वो भी जारी रहना चाहिए। और वो मुझसे कभी कह भी चुके हैं कि तुम्हारा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू एग्री नहीं करते, मगर अच्छा लगता है कि तारीख़ ही दिखाते रहना चाहिए। तो मैं भी दोस्तों से ही कहता हूँ कि सारे आस्पेक्ट पर नज़र रखनी चाहिए, देखना चाहिए। और मैं हमेशा साथ में ये भी कहता हूँ कि जो खदशा मुझे नज़र आता है, जो मैं देखता हूँ, अल्लाह करे वो हमेशा गलत निकले और पॉजिटिविटी प्रिवेल करे, हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारा एज ए नेशन हम आगे बढ़ें, हमारा वक़ार हो, एहतराम हो, इज़्ज़त हो, दुनिया की निगाह में हम आगे बढ़ रहे हों, तो वही बेहतर है। मगर साथ साथ जो नज़र आ रहा है, काला काला कहलाएगा, सफ़ेद सफ़ेद कहलाएगा। बहरहाल पहली खुशखबरी है कि देखें, 10 साल से हम कोशिश कर रहे थे कि जो नो ट्रैवल की एडवाइजरी, ट्रैवल एडवाइजरी है अमेरिका की पाकिस्तान के लिए, वो किसी तौर पर बेहतर हो, ख़त्म हो। ख़ासकर हमारा इसरार था कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर भी, और मुल्तान जैसे बड़े शहर जो हमारा कारोबारी हब है, वहाँ तो इतनी इंसर्जेंसी या मिलिटेंसी या दहशतगर्दी नहीं है और लोग आराम से घूम फिर रहे हैं, तो वहाँ के लिए अमेरिका को बहरहाल नरमी लाना चाहिए। तो जो मुलाकातें कांग्रेस में हुआ करती थी या गवर्नमेंटल ऑफिशियल्स हुआ करती थी, ये गुफ्तगू बहुत अरसे से जारी थी और उस पर वादे वईद भी होते रहे। और अब जबकि कहा जा रहा था कि बर्फ़ जमी हुई है, ताल्लुकात कशीदा हैं तालिबान के पस मंज़र में, तो बहुत सी चीज़ें, बल्कि मैंने अभी पिछले दिन ही बताया था कि एक डिप्लोमेट से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि ट्रैवल एडवाइजरी इस वक्त इशू नहीं है, कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया की ट्रैवल एडवाइजरी आलमोस्ट एक जैसी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मगर उनकी बात गलत निकली और ये गुफ्तगू बहुत सीरियस मराहिल में दाखिल हो चुकी थी। और कल अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान को कैटेगरी 4 से निकाल कर 3 में ले आए हैं, और जिसका मतलब है कि नो ट्रैवल की बजाय अवॉइड अननेसेसरी ट्रैवल, के अगर आपको जाना बहुत ज़रूरी है तो ज़रूर जाइए, मगर कोशिश करें अवॉइड करें। और ये बहुत बड़ा चेंज है, ये बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है। मैं ऐसे कहूँगा कि बर्फ़ पिघल रही है, जबकि खबरें ये आ रही थी कि ताल्लुकात कशीदा से कशीदा तर होते जा रहे हैं, स्पेशली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इमरान एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत दूर है। मैं अब ये नहीं कहूँगा कि जनाब देखें, ये जो पाकिस्तान से ISI चीफ़ आए और जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आए, वो यूसुफ मोईद, उनका कोई कारनामा है, क्योंकि मैं ये बात जानता हूँ कि यहाँ एक ग्रुप है जिसमें 9 पाकिस्तानी शामिल हैं, जिसमें लॉस एंजल्स के कुछ लोग हैं, मिशिगन के कुछ लोग हैं, न्यूयॉर्क के कुछ लोग हैं, वर्जीनिया, मैरीलैंड और वाशिंगटन के कुछ लोग हैं, और हाँ, डेलीवर के कुछ लोग हैं, न्यू जर्सी के कुछ लोग हैं। वो बहुत अरसे से बाइडन की कॉल के से लेकर और बहुत सारे इश्यूज पर काम कर रहे हैं, जिसमें से एक इशू ये भी है कि ट्रैवल एडवाइजरी नर्म की जाए। तो इसमें ट्रैवल एडवाइजरी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो सामने आई है कि कोविड के हवाले से Level 2 पे लाया गया है पाकिस्तान को। कहा गया है कि जिन्हें अमेरिकन वैक्सीनेशन, जो अथराइज वैक्सीन है, जैसे मेड्रोना है, जॉनसन जॉनसन है और फाइजर है, अगर वो लगी हुई हैं तो पाकिस्तान ट्रैवल के लिए एक इंतहाई महफूज मुल्क है। मगर साथ में KPK, फाटा, बलूचिस्तान में अभी भी नो
ट्रैवल के लिए एडवाइजरी है, कोई लेवल 4 ही है ऑलमोस्ट, और डिटेल है कि जी जब इस्लामाबाद पहले के मुकाबले में बहुत सिक्योर है, आप चाहें तो उसे डॉन पे भी पढ़ सकते हैं, गूगल करके स्टेट डिपार्टमेंट के बाद, बड़ी लंबी तफसील है। अब मेरे नज़दीक इससे भी एक बहुत बड़ी खबर जो मैं समझता हूँ कि एक तो ये कि हमारे बच्चे अब पाकिस्तान जा सकते हैं, अभी तो एतराज़ करते थे कि जी हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में हमारे अमेरिकन ने पाबंदी आयद की, हमारा जो असल मुल्क है कि वहाँ ना जाएँ, तो यानी कि नो ट्रैवल एडवाइजरी का मतलब तो ये है कि अमेरिकन हुकूमत रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी आपके साथ कुछ हो जाए। तो बच्चे शादियों में हमारे जाने से एतराज़ करते थे, घूमना फिरना तो बड़ी दूर की बात है, और सरमायाकारी के हवाले से भी जो बड़ी बड़ी मीटिंग हुई तो आखिर में ये कहकर उठ जाया करते थे सरमायाकार के, देखें अभी तो ट्रैवल एडवाइजरी हमें अलाउ नहीं करती कि हम पाकिस्तान जाएं, बिजनेस करना तो बहुत दूर की बात है। अब जो ट्रैवल एडवाइजरी है उसको नर्म करने के साथ जो उससे भी बड़ी खबर मैं समझता हूँ, मेरे नज़दीक बड़ी खबर है, एन मुमकिन है बराबर की हो, एन मुमकिन है कि ट्रैवल एडवाइजरी अभी तक बड़ी हो, कि एक अमरीकी इदारा है जो लोन प्रोवाइड करता है उन अमेरिकन कंपनियों को जो अमेरिका के नज़र में तरक्की याफ्ता, तरक्की पजीर मुल्क है ना, अंडर डेवलपमेंट कंट्री जो कहलाते हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में, टेक्नोलॉजी में, हेल्थ में, एजुकेशन में, इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं अमेरिकन शहरी, उनको कर्ज फ्राहम करने के इदारा, उसका नाम है, उसे कहते हैं इंटरनेशनल US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फंड फाइनेंस कॉरपोरेशन DFC। ये इदारा $1 मिलियन से लेकर और $1 बिलियन तक का कर्ज देता है, आपकी फिजिबिलिटी देख के, ना 1 मिलियन से कम देगा ना 1 बिलियन से ज़्यादा देगा। इसने इंडिया में काफ़ी पैसे खर्च किए हैं, 50 मिलियन एक मौके पे, 54 मिलियन एक मौके पे, और मुख्तलिफ मराहिल में भी, मगर इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी पाकिस्तान में अमेरिकन कंपनियों के इन्वेस्टमेंट के लिए, कि इसका मेन दफ्तर दिल्ली में था, जहां पाकिस्तान का कर्ज लेने के लिए, पाकिस्तान में खर्च करने का कर्ज लेकर खर्च करने के हवाले से जब दिल्ली डेस्क दिखती थी तो अमेरिकन वो दिल्ली वीज़े में प्रॉब्लम डालता था, अपॉइंटमेंट में प्रॉब्लम डालता था, कि भाई देखें दोहरा एवरी मुल्क है, और जो हमारे रिलेशन हैं दोनों तरफ से ही वो एक जैसे हैं, मिसाल के तौर पे ऐसे पाकिस्तानी मुझे पता है कि यहाँ से अगर वीज़ा अप्लाई करें तो वो पासपोर्ट ही रख लेते हैं 6 महीने के लिए, अगर मैं एज ए अमेरिकन पाकिस्तानी उस कंपनी से कर्ज लेना चाहता हूँ तो मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, वो तो वीज़ा ही नहीं मिलना। तो बहरहाल ये जो अमेरिकन पाकिस्तानी हमारे खामोश सिपाही हैं, इन्होंने उनसे बहुत सीरियस निगोशिएशन की गुज़िश्ता 8-9 माह में स्पेशली, और कहा कि देखें वहाँ ये जो UFDC, ये जो इदारा है DFC, इसके होने से हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलता, पहुँचने का 2 हफ्ते 4 हफ्ते और बाद औकात 15-15 हफ्ते लग जाते हैं, तो जब हम मिल ही नहीं सकते तो कर्ज़ क्या मिलना है हमें, और जो हमारा फ़र्ज हक है कि हमारी हुकूमत है, हमारा मुल्क है, इस DFC से हमें भी फ़ायदा उठाना चाहिए, दूसरी अमेरिकन कंपनियाँ भी, हमारे पाकिस्तानियों अमेरिकन पाकिस्तानियों की बहुत कंपनी है। तो बहरहाल तो उन्होंने अमेरिकन ने पूछा भाई आप क्या चाहते हैं, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं जो डेस्क है DFC की, ये जो US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन DFC इसकी डेस्क जो कंपनी की दिल्ली में है ये उठाकर सिंगापुर ले जाई जाए। उन्होंने एग्री कर लिया, ये डेस्क भी अब सिंगापुर जा रही है, कब जा रही है, कल परसों 10 दिन में 15 दिन, इसके बारे में मुझे इतला नहीं है, मगर ये चली जाएगी। अब बहुत आसानी से अमेरिकन कंपनियां पाकिस्तान में कर्ज इस इदारे से कर्ज लेकर इन्वेस्ट कर सकेंगी। अच्छा जो कर्ज़ की जो शराइत है वो तो यकीन पूरी करनी होगी, ट्रैवल एडवाइजरी भी नरम की है। मेरे नज़दीक ये दो जो चेंज हैं बहुत बड़े हैं, इसका मतलब ये है कि अमेरिकन बाइडन इंतज़ामिया एडमिनिस्ट्रेशन में पाकिस्तान के हवाले से चेंज देखने में आ रहा है, और जो मुईद यूसुफ के हवाले से ख़बर थी कि जो उन्होंने शिकायत की जो नहीं करनी चाहिए थी कि जनाब हम बाइडन तो कॉल भी नहीं कर रहे, तो उसमें अमेरिकन सोर्सेज के हवाले से उसी इंटरव्यू में एक लाइन ये थी कि बाइडन
वक्त आने पर, राइट टाइम आने पर वो कॉल करेंगे। मतलब उसका मफहूम यह था कि कुछ चीज़ें मेटेरियलाइज हो जाएं, स्वाप हो जाएं, जो एक दूसरे की शराइत हैं वो तय हो जाएं, उसके बाद वो कॉल होगी। तो मेरे दोस्त वो कभी ये कहना है कि ये कॉल जल्दी होने वाली है, पहले तो 10-15 दिन कहते थे, अब उसमें कोई डिले हुआ है, क्योंकि खान साहब की ज़बान बहुत बड़ा इशू है। वो समझते हैं कि बाइडन हो या जॉनसन हो और दूसरे वेस्टर्न वर्ल्ड या किसी और मुल्क के जो हेड्स हैं उनके बारे में गुफ्तगू बिल्कुल ऐसे ही करते हैं जैसे शहबाज शरीफ के में, आसिफ जरदारी के, बिलावल के, और शेख रशीद की जो गंदी ज़बान है उस तरह से खान साहब भी, और खान साहब खुश भी होते हैं उनके दोस्त उनके साथी ये ज़बान इस्तेमाल करें। तो खान साहब की जो ज़बान है ना, वो अम्मा कहती थी ना कि ये ज़बान है जो हाथी भी चढ़ाती है, घोड़े भी चढ़ाती है और घोड़े भी बिठाती है। तो खैर, तो मामला तय हो रहे हैं और एक बहुत बड़ी तब्दीली है टूवर्ड्स पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान चीन, पाकिस्तान के हवाले से अमेरिकन अगर मामला दुरुस्त होते जाते हैं, इसके एक इशारा ये भी है, मेरा जहन ये कहता है कि आसिम बाजवा को जो सीपैक से हटाया गया है ये भी उस तब्दीली की एक वजह है। और ये जो गुफ्तगू लोग कर रहे हैं कि बहरहाल पाकिस्तान को अमेरिकन वेस्टर्न ब्लॉक में ही रहना है और चाइना से ताल्लुकात रखने हैं, ताल्लुकात देखिए किसी से भी रखे जा सकते हैं, हम एक क्लाइंट स्टेट हैं अमेरिका की, अमेरिका का एहसान मंद रहना चाहिए कि हिंदुस्तान की आज़ादी में जो मेजर रोल है वो अमेरिका का है। पढ़ के देख लें, किताबें मौजूद हैं कि 1941 में ही बरतानिया से ये तय हो गया था कि अफ्रीका, हिंदुस्तान, जहाँ जहाँ कॉलोनीज हैं वहाँ आज़ादियाँ देना होंगी, लोगों के हुकूक देने होंगे। उस हवाले से हम अमेरिका के एलाई बनते हैं। देखें आगे और क्या क्या सामने आता है। मेरा यकीन है कि तालिबान के हवाले से भी पाकिस्तान ने जो वादा किया है कि वो उनकी हुकूमत को कबूल नहीं करेगा अगर वो एक नेशनल गवर्नमेंट बनाने में नाकाम हो जाते हैं और अकेला अपना कब्जा करके हुकूमत तरतीब देना चाहते हैं, तो पाकिस्तान हिमायत नहीं करेगा। वो अपनी शर्त पर कायम रहेगा कि आज के जो ताज़े वाक़यात हैं, चार बड़े कैपिटल जो प्रोविंस हैं अब कैपिटल की तरफ भी बढ़ना शुरू कर दिया है, कंदोज से लेकर उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर तर, लश्करगाह और ये दूसरे इलाकों पे उसने कब्ज़ा किया है तालिबान ने, मगर गनी हुकूमत कहती है कि इन शहरों की वापसी के लिए अब बड़े हमले की तैयारियां की जा रही हैं। वो भी मतलब बड़ी कुरेजी होगी। तालिबान को समझना होगा कि वो दुनिया से लड़कर हुकूमत ले भी लें तो वो उसे कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे कि आज जहाँ जहाँ उन्होंने कब्ज़ा किया है वो रोड सारे ख़त्म हो गए हैं, हिंदुस्तान की सरहद बंद हो गई है जो मेजर इकॉनमी अफगानिस्तान को सपोर्ट करती है। तो बहरहाल ये एक लंबी गुफ्तगू है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के और अमेरिका के जो बिहेवियर हैं, रवैये हैं, उनसे पता चलेगा कि ये ताल्लुकात किस हद तक आगे बढ़ रहे हैं। मगर मेरा दिल कहता है कि अमेरिकन पाकिस्तानी जो रोल अदा कर रहे हैं, खासकर ये मेरे गुमनाम सिपाही जिन्होंने मुझे मना किया कि उनके नाम ना आए, जो लीड कर रहे हैं, वो बहुत असर भी रखते हैं, बहुत मेहनत से काम भी कर रहे हैं और प्रोपेगेंडा भी नहीं चाहते, और वो ये भी नहीं चाहते कि उनकी तस्वीर आए, उनका नाम आए, और जहां रेवड़ियों की तरह अवार्ड बढ़ते हैं तो वो खड़े होकर कहीं अवार्ड बांटें या अवार्ड वसूल करें, वो इन तमाम चीज़ों से दूर पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिकन को भी समझा रहे हैं, पाकिस्तानियों को भी समझा रहे हैं कि खुदा के लिए मामलात को समझें। पाकिस्तानियों को ज़्यादा समझा रहे हैं, अमेरिका एक बालादस्त कुव्वत है, उसे तो सिर्फ वो यही कह सकते हैं कि हुजूर ये चाइना की गोद में जाकर बैठ जाए मुकम्मल, देख लें, या हम इन्हें अपने पास रख लें कुछ दे दिलाकर। तो बहरहाल आने वाले दिनों में मज़ीद खुशखबरियाँ मैं तवक्कु करता हूँ आपसे। कल दूसरे वीडियो में गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।